नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, रैपिड हेडलाइंस न्यूज। घर की छत से गिरकर एक युवक की मौत। सिलीगुड़ी में भी गणेश चतुर्थी की धूम। राष्ट्रीय दलित सम्मेलन का राज्य सम्मेलन आयोजित। तराई डुअर्स में भी बंद हो होम स्टे पट्टा के लिए भूमि सर्वेक्षण का काम। मालदा विश्वनाथ स्मृति संघ ने खुटी पूजा के साथ शुरू की दुर्गा पूजा की तैयारी। घर की छत से गिरकर एक युवक की मौत। घर की छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। घटना से खोरीबाड़ी के हौदा भाटा इलाके में हड़कंप मच गया। मृत युवक का नाम राहुल रॉय, उम्र 26 वर्ष था। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक सोमवार देर रात उन्हें अचानक शोर सुनाई दिया। इसके बाद घर में इधर उधर खोजने के बाद देखा तो युवक घर के सामने लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ दिखा। जब युवक को खोरीबाड़ी अस्पताल ले जाया गया तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को आज पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की जांच के लिए परिजनों की ओर से खोरीबाड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। खोरीबाड़ी पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। सिलीगुड़ी में भी गणेश चतुर्थी की धूम। आज गणेश चतुर्थी पर पूरे देश के साथ सिलीगुड़ी शहर में भी गणपति बप्पा की पूजा चल रही है। सिलीगुड़ी विधान मार्केट गणेश पूजा समिति की पूजा इस बार बस पंडाल के साथ एक विशेष आकर्षण है। पूरे वैदिक नियमों के अनुसार पूजा का आयोजन चल रहा है। राष्ट्रीय दलित सम्मेलन का राज्य सम्मेलन आयोजित। आज सुबह 10 बजे सीटू श्रमिक भवन में राष्ट्रीय दलित सम्मेलन की ओर से राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु भारत की आजादी के 76वें वर्ष में दलित आदिवासियों की अन्यायपूर्ण दुर्दशा का विरोध करना है। संगठन के सदस्यों ने कहा, पिछले 9 वर्षों में केंद्र और कई राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से स्थिति और खराब हो गई है। पिछले 9 वर्षों से उन्होंने शिक्षा और रोजगार के मामले में दलितों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। आज का सम्मेलन मूल निवासियों और दलितों के अधिकारों को रेखांकित करता है। तराई डुअर्स में भी बंद हो होम स्टे पट्टा के लिए भूमि सर्वेक्षण का काम। जीटीए क्षेत्र की तरह तराई डुअर्स में भी होम स्टे पट्टा के लिए भूमि सर्वेक्षण का काम बंद किया जाना चाहिए। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भेजकर ये मांग की है। विधायक शंकर घोष ने ये बात सिलीगुड़ी मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि पहाड़ और चाय बगान श्रमिकों को 5 डिसिमल जमीन देकर उन्हें शरणार्थी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस पट्टी की कड़ी निंदा करते हैं। इसके विरोध में 1 अक्टूबर को दगापुर मैदान में कार्यकर्ताओं की रैली होगी। मालदा विश्वनाथ स्मृति संघ ने खुटी पूजा के साथ शुरू की दुर्गा पूजा की तैयारी। आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर मालदा विश्वनाथ स्मृति संघ में मंगलवार दोपहर को खुटी पूजा के साथ दुर्गा की पूजा शुरू हुई। मालूम हो कि इस साल इस क्लब का बजट करीब 4 लाख रुपए है और ये क्लब अपने 53वें साल में प्रवेश कर गया है। क्लब के सदस्य इस बार माँ दुर्गा को सजा कर शहरवासियों को विशेष उपहार देने जा रहे हैं।